दुबई में आयोजित COP28 के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2028 में COP33 की मेजबानी की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि अतीत में जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने के लिए बहुत कम समय बचा है। भारत अपने लक्ष्यों को पूरा करता रहा है। उन्होंने कहा कि 2030 तक भारत हर साल 2 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में कामयाब होगा। उन्होंने कहा कि गैर जीवाश्म ईंधन के लक्ष्य से भारत आगे चल रहा है। दुबई में ये COP ऐसे समय पर हो रही है जब दुनिया ने अब तक का सबसे गर्म नवंबर झेला, और इस वक्त प्रधानमंत्री दुबई में बात कर रहे हैं। ये सुनते हैं वहां क्या कह रहे हैं। पर भी ठोस परिणाम निकलेंगे। पहला, COP28 में न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस पर वास्तविक प्रगति होगी। दूसरा, ग्रीन क्लाइमेट फंड और एडेप्शन फंड में कमी नहीं होने दी जाएगी, इस फंड की त्वरित भरपाई की जाएगी। तीसरा, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स विकास के साथ साथ क्लाइमेट एक्शन के लिए भी एफोर्डेबल फाइनेंस उपलब्ध कराएंगे। और चौथा, विकसित देश 2050 से पहले अपना कार्बन फुटप्रिंट जरूर खत्म करेंगे। मैं UAE द्वारा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड स्थापित करने की घोषणा का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दुबई में हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने कहा कि 2050 तक सभी विकसित देशों को अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना होगा या फिर खत्म करना होगा। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर जो चर्चाएं हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड, एडेप्शन फंड, मल्टीलैटरल बैंक्स जो फाइनेंस उपलब्ध कराएंगी विकासशील देशों को ताकि वो आगे बढ़ सकें जलवायु परिवर्तन के मिटिगेशन की दिशा में। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए सीधे चलते हैं दुबई, जहां हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली मौजूद हैं। गजाली, प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें अपनी भाषण में कही हैं और एक तरह से एक एजेंडा भी सेट हो गया है इस COP28 का। जी, दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं प्रधानमंत्री ने। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि किस तरह से 5 साल बाद जो 2000 कह सकते हैं कि COP33 के लिए भारत को मेज़बानी या भारत की मेज़बानी का उन्होंने एक ऑफर या प्रस्ताव रखा है, और कहीं ना कहीं इससे एक बात साबित होती है कि जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ हम बार बार कह रहे हैं भारत को, और जिस तरह से वेस्ट के साथ हमेशा जो साउथ ग्लोबल साउथ का एक टकराव होता रहा है कि किस तरह से वेस्ट पश्चिमी देश हमेशा ये कहते हैं कि जो एशियन कंट्री हो या ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हो उनसे ज़्यादा जो है प्रदूषण फैल रहा है या उन्हीं के कारण जो है वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि हो रही है, वही एक कारण है। तो उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने एक तरह से एड्रेस करने की कोशिश की है जब वो ये बात कहते हैं कि पिछले दशक में या पिछले एक शतक में, उन्होंने कहा कि पिछले सेंचुरी में जिस तरह की गलतियां हुई हैं उसको सुधारने का अब कोई मौका है नहीं, तो जल्द से जल्द आगे बढ़ा जाए। तो जो पिछले शतक की बात वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों के ऊपर ही निशाना उन्होंने साधा है। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी या जो फॉसिल फ्यूल हो गए या वैसे एनर्जी के स्रोत जिनको दोबारा पैदा ना किया जा सके उनसे दूसरे क्लीन एनर्जी की तरफ, या जैसे सोलर एनर्जी है या जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है या हाइड्रोजन एनर्जी है, इनकी तरफ मूव करने के लिए या उनको अडॉप्ट करने की जो बात है उसकी भी सराहना की है या उस तरफ चलने की बात की है। तीसरा, जो फंड की बात हम बार बार कर रहे हैं कि किस तरह से जो कमज़ोर देश कह लें या विकासशील देश हैं उनके लिए विकसित देशों को कुछ आर्थिक मदद करने की ज़रूरत है जिससे वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट क्राइसिस या वातावरण में जो बदलाव हो रहे हैं उनसे जूझने की शक्ति के लिए कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता की भी ज़रूरत है। तो इन मुद्दों पे प्रधानमंत्री ने चर्चा की। हमारे साथ हीतल हैं एक गेस्ट के तौर पर, इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। इनकी कंपनी है जो पुणे बेस्ड है और वो इसमें यंग डिप्लोमैट्स जो हैं उनको ट्रेनिंग देती है क्लाइमेट रिलेटेड। यूनाइटेड नेशंस के जो क्लाइमेट समझ लें कि जो एम है
उनसे रिलेटेड वो डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग देती है, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस विषय को वो किस तरह से देखती हैं, प्रधानमंत्री के इस भाषण को वो किस तरह से समझती हैं। हीतल, सबसे पहले ये बताएं कि आपकी जो कंपनी है वो करती क्या है। हमारी कंपनी का नाम है यूथ नेगोशिएटर्स एकेडमी और हम कंट्रीज के साथ काम करते हैं, मिनिस्ट्रीज ऑफ एनवायरनमेंट के साथ काम करते हैं और उनके यंग डिप्लोमैट्स या यंग नेगोशिएटर्स को ट्रेन करते हैं। सो 18 से 35 के उम्र के बीच में लोगों को ट्रेन करते हैं ताकि वो यहाँ आके डिसीशंस जो लिए जाते हैं, इसके जो COP28 का जो आउटकम होगा वो आउटकम के डिसीशंस नेगोशिएशंस होते हैं और उस नेगोशिएशंस के लिए हम ट्रेन करते हैं। काफ़ी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और उसके लिए अपने कंट्री की पोजीशन क्या है वो कंट्री वाले समझाएंगे, लेकिन हम पूरे टेक्निकल साइड से न्यूट्रल ट्रेनिंग की रूम्स में होता क्या है, हिस्ट्री क्या है, यूएन की बात क्या है, यहाँ आके कौन से थीमेटिक ट्रैक्स आएंगे, कैसे वो लोग इंटरवेंशन देंगे, उनके लैंग्वेज कैसी होती है, कैसे ड्राफ्ट करना है टेक्स्ट, किसके साथ बात करना है, कोएलिशंस कैसे बनती है, कंट्रीज की पोजीशंस कैसे आप जान पाते हो, वो सब टेक्निकल ट्रेनिंग हम देते हैं। तो जब आप इस तरह की ट्रेनिंग देती हैं तो अब आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री का जो भाषण रहा है ग्लासगो में या जो COP27 हुआ है पिछले साल शर्मल शेख मिस्र में और आज जो भाषण प्रधानमंत्री ने यहाँ दिया है दुबई में COP28 में, इसमें किस तरह के बदलाव आप देखती हैं और क्या आप मानती हैं कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं पर्यावरण को लेकर भारत में, उन चीज़ों को प्रधानमंत्री ने टच किया है या उन विषयों को छेड़ा है? COP26 में ग्लासगो में तो प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि 2070 तक नेट जीरो हो जाएगी इंडिया, तो उन्होंने गोल सेट कर दिया था। उसके बाद लॉन्च किया था मिशन लाइफ, जब अब ग्लोबल हो गया है, काफ़ी देशों से लोग जुड़ गए हैं इस मिशन लाइफ में, तो वो एक काफ़ी बड़ी चीज़ थी उनके भाषण से। लास्ट ईयर ऑफकोर्स प्रधानमंत्री तो नहीं थे, लेकिन जो लॉस एंड डैमेज फंड जो निकला था यहाँ से वो नेगोशिएशन से ये शर्मल शेख से, उसको लेके आई थिंक अब चर्चा चल रही है इस साल के लिए। और आज के जो प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया आज के लिए, वो तो उन्होंने बताया ही है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है यहाँ पे, कि हम इतने साल से जो एमिट करते आ रहे हैं उसका हम इफेक्ट आज देख रहे हैं। इंडिया जैसी कंट्री जो डेवलप हो रही है, जो अभी भी हम कोल यूज़ करते हैं या गैस यूज़ करते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पश्चिम की तरफ इशारा ज़रूर किया। डेफिनेटली। और एक छोटा सा सवाल 10 सेकंड में अगर सिर्फ बता सकें कि क्या आपको लगता है कि इस समिट के अंत होने तक, आखिरी दिन तक, जैसे लॉस एंड डैमेज फंड की बात पिछले बार चली थी, तो क्या क्लीनर और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए कोई ठोस कदम या रोड मैप की भी घोषणा हो सकती है? होनी ही चाहिए, बिकॉज अभी तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हर देश में देख पा रहे हैं, पूरे ऑन एवरी कॉन्टिनेंट ऑन द वर्ल्ड वी आर सीइंग इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। So I agree that this is required. तो यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं वो यही समझ रहे हैं कि आज के प्रधानमंत्री के भाषण के बाद COP28 समिट के समागम होने तक क्लीन एनर्जी या दूसरे जो स्रोत होंगे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के, उनके ऊपर चर्चा होगी और एक क्लियर रोड मैप भी जारी किया जा सकता है। शुक्रिया इस चर्चा और अपडेट के लिए गजाली आपका दुबई से। और